हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पर। मैं आपका दोस्त पंकज कुमार गुप्ता। आज इस क्लास के माध्यम से हम साइंस की 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे जो आपको इसे जानने के लिए इतना उत्सुक कर देगा। चलो इसका पहला फैक्ट क्या कहता है। साइंस यह कहता है कि आप अगर लगातार 40 किमी तक दौड़ते रहे या लगातार 90 मिनट तक एक्सरसाइज करते रहे तो आपका शरीर डल होता जाएगा, आपका स्किन डल होता जाएगा और आप ओल्ड होते जाओगे। साथ में अगर आप लगातार किसी स्मोक के कांटेक्ट में आए, सिगरेट के स्मोक के कांटेक्ट में या अल्ट्रावायलेट लाइट के कांटेक्ट में आए, अल्ट्रावायलेट रे के कांटेक्ट में आए तो तुम्हारा शरीर धीरे धीरे ओल्ड होता जाएगा और तुम पीछे जाते जाओगे, बूढ़े होते जाओगे। ऐसा क्यों है? चलो, साइंस यह कहता है कि आप अगर लगातार 40 किमी या 90 मिनट तक एक्सरसाइज करते रहे या किसी पॉल्यूटेंट के कांटेक्ट में आए या सिगरेट के स्मोक के कांटेक्ट में या अल्ट्रावायलेट रे के कांटेक्ट में आए तो आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाएगा, जिसके कारण आपके शरीर में कुछ फ्री रेडिकल्स बनेंगे जो आपके हेल्थी सेल को परमानेंट डैमेज कर देंगे, जिसके कारण आपका स्किन डल हो जाएगा और स्किन में एजिंग प्रोसेस होने लगेगा, जिससे कारण आप बूढ़े होते जाओगे। साथ में एक्सटर्नल पॉल्यूटेंट जैसे कि स्मोक आपके शरीर में एंटर किया और कोलेगेंस और डीएनए को अफेक्ट करेगा तो कोलेगेन आपके शरीर में स्किन सेल को डैमेज कर देगा, जिसके कारण आप धीरे धीरे ओल्ड होते जाओगे। समझे? अगर आप इसे बचना चाहते हो तो आप एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें यूज करो, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन ई। विटामिन सी में ऐसे फ्रूट्स आते हैं जो कि साइट्रस होते हैं, जैसे ऑरेंज, लेमन्स, आंवला। और साथ में विटामिन ई में वो ये क्या होता है कि फ्री रेडिकल से जुड़ते हैं, इनमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो फ्री रेडिकल से जुड़कर उसको गुड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। समझे? सेकेंड फैक्ट्स, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे सैलिवा में 6 टाइम्स स्ट्रॉन्गर एक पैन किलर है, जो कि तुम मॉर्फिन एक पैन किलर के रूप में यूज करते हो दर्द भगाने के लिए, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर आपके सैलिवा में है। क्या है इसके पीछे साइंस का फैक्ट्स जानते हैं? देखो, साइंस क्या कहता है कि आपके सैलिवा में एक ओपियोरफिन नाम का केमिकल है जो कि आपके जो मॉर्फिन यूज करते हो उससे 6 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह बताते हैं कि यह इनकेफेलाइंस नामक केमिकल्स को ब्रेकडाउन को रोक देता है, जिसके कारण आपके शरीर में ओपिएट रिसेप्टर एक्टिव हो जाता है जो सिग्नल ब्रेन तक नहीं भेजता है पेन का, जिसके कारण आपको पेन महसूस नहीं होता। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हो जैसे ही हमारी एज 13 इयर्स ओल्ड के बाद आती है तो यानी पुबर्टी के बाद, तो हमारे शरीर से कुछ पार्टिकुलर पार्ट की जगह से, जैसे कि आर्मपिट की जगह से जो स्वीट आता है वो बहुत ऑडर होता है, जो हम बदबू सहन नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों? तो जानते हैं इसके पीछे साइंस का फैक्ट। साइंस क्या कहता है? साइंस यह कहता है कि जैसे ही हम 13 इयर्स एज के बाद आते हैं तो हमारे शरीर में एपोक्राइन स्वीट ग्लैंड एक्टिव हो जाता है, जो कि मेनली आर्मपिट और जेंटियल पार्ट्स में पाया जाता है, जहाँ से रिलीज होने वाला स्वीट में ऑडरलेस होता है और प्रोटीन होता है, से कारण यह ब्रेक डाउन होता है। कब? जब कोई एक बैक्टीरिया जिसका नाम है स्टेफिलोकोकाई यहाँ पर आता है और आकर इसे ब्रेक डाउन करके अल्कोहल एसिड बनाता है, जो एसिड है थायो अल्कोहल्स, और यह थायो अल्कोहल्स की गंध इतनी बुरी होती है जिसके कारण आप सहन नहीं कर सकते हो। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हो अगर हीलियम गैस को 2.17 केल्विन के पास लाया जाए तो इस कंडीशन पे यह एक ऐसा लिक्विड बन जाएगा जो अगर आप इसे किसी डिश बर्तन में रखते हो तो वह उस बर्तन से स्पेल आउट बाहर की तरफ निकलने लगेगा और साथ में वो लीक आउट करने लगेगा बर्तन के चारों तरफ के सरफेस से। ऐसा क्यों होता है? और साथ में अगर एक बार यह मूव करने लगा उस बर्तन में तो कंटिन्यूस वो मूव करता रहेगा राउंड राउंड। ऐसा क्यों? इसका फैक्ट साइंस यह कहता है कि अगर आप हीलियम को 2.17 केल्विन के पास लाते हो जो कि लिक्विड स्टेट है, इस कंडीशन पर इसके अंदर के मॉलिक्यूल के जीरो विस्कोसिटी हो जाएगी और साथ में यह सुपर फ्लूइड बन जाएगा और कोई भी थोड़ा सा भी प्रेशर इस पे लगेगा तो उसको वो नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाएगा
और चारों तरफ स्प्रिंग उसमें घूमने लगेगा और साथ में वो बर्तन से लीक आउट करने लगेगा और साथ में ऊपर की तरफ स्पेल आउट करने लगेगा ऐसा कि वो ग्रेविटी के कॉन्टेक्ट में है ही नहीं रहेगा। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हो अगर एक फीमेल मॉस्किटो आपको काटती है तो उस जगह पर आपको इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग होता है और साथ साथ में इचिंग होता है। ऐसा क्यों होता है जानते हैं? इसके पीछे साइंस का फैक्ट है। साइंस यह कहता है अगर एक फीमेल मॉस्किटो आपके शरीर में अगर वो इंजेक्ट करती है तो अपने सैलिवा को उसमें छोड़ती है और सैलिवा के साथ साथ एंटीकॉगुलेंट छोड़ती है। ऐसा इसलिए छोड़ती है क्योंकि उस सरफेस पर ब्लड क्लॉट ना हो और उनका स्टिंग उसमें फंसे ना। और साथ में जैसे ही सैलिवा छोड़ती है हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम रिस्पांस जग जाता है और जगने के बाद वो शरीर में एक केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है हिस्टामाइन। वो हिस्टामाइन वहाँ पे जाता है और वाइट ब्लड सेल काउंट बढ़ाने लगता है जिसके कारण वाइट ब्लड सेल उससे लड़े और लड़कर उसको दूर भगाए। और जैसे ही ये लड़ता है वाइट ब्लड सेल तो हमें वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है या स्वेलिंग होता है या सूज जाता है और साथ में हिस्टामाइन उस मैसेज को ब्रेन तक पहुँचाता है जिसके कारण आपको इचिंग होती है, दर्द होती है, चुभन होती है। यही इसके पीछे साइंस का फैक्ट्स है। मेरे चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।